महा चक्रवर्ती बिंबिसारुडु एलिन राज्यानिकि लेनि कुरुक्षेत्र युद्धम बिंबिसारुडु अंटेने मरण शासनं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिंबिसार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू के बारे में। बात करें फिल्म बिंबिसार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू की, तो फिल्म बिंबिसार ने अपने डे टू के अंदर 6 से 8 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड कलेक्शन 17.5 से लेकर के 19.5 करोड़ का हो चुका है। सभी को बता दूं कि फिल्म बिंबिसार ने अपने डे वन के अंदर 11.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जहाँ फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 9.3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा था। तो फिल्म बिंबिसारा कमाई करने के मामले में बहुत ही बेहतरीन कमाई कर रही है। नंदमुरी कल्याण राम इस फिल्म में राजा बिंबिसार का किरदार निभा रहे हैं। मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार पर आधारित ये फिल्म को मल्लदीप वशिष्ठ ने लिखा है और इस फिल्म का डायरेक्शन भी वही कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर के छोटे भाई नंदमुरी कल्याण राम पहली बार पैन इंडिया फिल्म लेकर आए हैं। मगध के राजा बिंबिसार की बात करें तो मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार 15 साल की उम्र में मगध की गद्दी संभाली थी। दोस्तों फिल्म बिंबिसार के बजट की बात कर ले तो फिल्म बिंबिसार को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वही फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को 975 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म बिंबिसार अगर 32 करोड़ के आंकड़े को छू जाती है तो फिल्म हिट कहलाएगी। तो आपने फिल्म बिंबिसार देखी या ना देखी, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म सीतारमण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू के बारे में। बात करें फिल्म सीतारमण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू की, तो फिल्म सीतारमण ने अपने डे टू के अंदर 3 से लेकर 5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल वर्ल्ड कलेक्शन 9.1 से लेकर 11.1 करोड़ का हो चुका है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म सीतारमण को 860 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर फिल्म 30 करोड़ के आंकड़े को छू जाती है तो फिल्म हिट कहलाएगी। दोस्तों दुलकर सलमान, मीना ठाकुर, रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म सीतारमण ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन बिंबिसार के रिलीज होने से फिल्म के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी फीकी कमाई हुई है। दोस्तों आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, आपने फिल्म सीतारमण देखी या ना देखी, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था लेकर जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूं ही लेटेस्ट पोस्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।